हाय फ्रेंड्स, दिस इज कौसर एंड यू आर वॉचिंग कौसर क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये सिक्स है आपका, जो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर मैं आपको इसमें सॉल्यूशन बता रही हूँ, किस तरीके से इन क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में एक बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिएगा, ताकि अदर सब्जेक्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसके आने के ज़्यादा चांसेस है आपके। इस क्वेश्चन में बोल रखा है, द एज ऑफ फादर इज 20 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 65 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ सन एंड द फादर। तो यहाँ पर लेट द एज ऑफ सन, पहले तो जो सन है उसका, उनकी एज जो मान ली हमने एक्स ईयर मान ली, ठीक है। एंड द फादर्स एज 2x प्लस 20 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 20 ईयर कैसे, यहाँ पर लिखा है द एज ऑफ अ फादर इज 20 ईयर्स मोर, यानी कि जो फादर की एज है वो 20 साल ज़्यादा है ट्वाइस द एज ऑफ सन, यानी कि बच्चे की जो एज है वो कितनी है, एक्स ईयर मानी है, एक्स के ट्वाइस यानी कि बच्चे की एज के दोगुनी है, यानी कि दो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × x कर देंगे, जो भी इसकी एज होगी उसके दोगुने, प्लस 20 साल उससे भी ज़्यादा है, तो 20 हमने इसमें यानी कि 20 ऐड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की एज का सम, यानी कि इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 65 ईयर्स, अब दोनों की अगर एजेस जितनी भी है उनका सम है कितना, 65 ईयर्स, तो हम क्या कर लेंगे, एक्स, सन की एज हमने एक्स मानी थी, प्लस फादर की एज 2x प्लस 20 ईयर्स, तो इक्वल्स टू किसके आ जाएंगे, 65 के, इन दोनों का सम कितना होगा, 65। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा दोनों, 3x प्लस 20 इक्वल्स टू 65। यहाँ पर 3x रहने देंगे, नंबर जो है एक साइड ले जाएंगे, 65 यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में इधर आ जाएगा 20, 3x इक्वल्स टू 65 में से 20 जाएंगे तो 45 बचेंगे, x इक्वल्स टू 45, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 वन जा 3 एंड 3 5 जो 15, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास 15, यानी कि सन की एज निकल आ गई, जो कि हमने x माना था सन की एज को, ठीक है। तो जो सन था उसकी एज कितनी है, 15 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर फादर से एज हमने कितनी मानी थी, जो फादर की एज थी वो थी 2x प्लस 20, यानी कि जो सन की एज थी उसके दोगुने प्लस उससे भी ज़्यादा 20 ईयर्स एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 2 × 15 कर देंगे प्लस 20, यानी कि फादर की जो एज थी वो थी 50 ईयर्स। तो ये था सिंपल इसका क्वेश्चन। एंड एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जो जिसके आने के चांसेस चैप्टर 5 से, वो क्वेश्चन है ये, ये है ग्राफिकली इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 7, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमने ले ली यहाँ पर, इसमें x माइनस 7 इक्वल्स टू 2y, हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ये 2 है वो यहाँ पर ले आएंगे, इसके नीचे हम मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले आएंगे, यहाँ पर या तो x छोड़ना है या फिर y, एक वैल्यू इधर की साइड में ले आएंगे, या पर देखो यहाँ पर या तो x छोड़ दो, यहाँ पर ये x करके यहाँ पर माइनस में 7 है, इधर प्लस में 7 ले आओ, किसी भी तरीके से इसको इक्वेशन सॉल्व कर लो, बट एक वेरिएबल जो आपका यहाँ रहने देना है और बाकी की वैल्यू एक तरफ लेके जानी है हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से ये बॉक्स बनाना है और यहाँ पर x और y लिखना है, एज्यूम करना है अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है और मैंने अगर x की जगह पे 1 रख दिया, अगर मैंने यहाँ रख दिया x की जगह पे 1, जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पर रख दिया, ये है मेरा ये क्वेश्चन, यहाँ पर अगर मैंने 1 रखा तो ये 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो मेरे पास माइनस का 6 बचेगा एंड 2 × 3 = 6, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3। और अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ 7, यहाँ पर अगर मैंने रखा 7, तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आना है, तो 7 अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ x की वैल्यू, तो मेरे पास y की कितनी आई जाएगी, 0, ठीक है। दो यहाँ पर बन गए। इक्वेशन 2 से हमें करना है, x यहीं पर रखा हमने, ये जो है x यहाँ पर रखा और माइनस में 2 है और y भी यहाँ पर माइनस में लेंगे। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो सेम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, अगर मैं y की जगह पे y में अगर मैं रखती हूँ माइनस 3, देखिए यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का y की जगह पर अगर मैं रखती हूँ माइनस का 3, तो ये माइनस का 2 माइनस और माइनस प्लस का 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, 1, वो भी प्लस का, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ 0 सॉरी माइनस के 2, y की जगह पर रखती हूँ माइनस के 2,
जैसे कि मैं यहाँ पर एक करके दिखाती हूँ, माइनस के टू माइनस के वाई माइनस टू माइनस में, अगर मैं माइनस टू रख लेती हूँ यहाँ पर, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस टू प्लस टू, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि जीरो बचेगा। तो ये दो इस तरीके से हमने इसके पेयर्स बना लिए, यहाँ पर इनको पेयर्स बना लेंगे। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएंगे वन माइनस थ्री, और इसका बन जाएगा सेवन बाय जीरो, इसका बन जाएगा वन बाय माइनस थ्री, और यहाँ बन जाएगा जीरो माइनस टू। इन पेयर्स को अब यहाँ पर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, इसके यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये लाइन जो होती है जो वर्टिकली है वो लाइन हमारी वाई एक्सिस होती है, ये वाई है, और यहाँ पर इसे हम वाई डैश कहते हैं, जो माइनस वाली लाइन होती है। ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर ये एक्स होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक्स डैश होता है, ठीक है। ये जीरो है, यहाँ पर लिखना भी है एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस, ठीक है। ये जीरो, यहाँ से आप वन टू थ्री इस तरीके से जितने आपके आते पेयर्स में आते जितने भी नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर नंबर ले लेने हैं नंबर लाइन इस पर। उसके बाद में अब हमें इनको रिप्रेजेंट करना है, जैसे वन माइनस थ्री, तो यहाँ पर ये है x और ये है y, जैसे कि यहाँ पर दे भी रखा है ये x है और ये y है। तो पहले वाला नंबर x का वन, और माइनस का यानी कि y का, माइनस का थ्री कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ हम दिखा देंगे वन प्लस का माइनस का थ्री, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया इसको। सेकेंड पॉइंट है सेवन बाय जीरो, तो सेवन हमारा क्या है, एक्स का सेवन है और वाई का क्या है, जीरो, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारा यहाँ। उसके बाद में सेकेंड वाले में भी यही है, वन माइनस थ्री, तो ये भी सेम ही आएगा यहीं पर ही, ठीक है। और दूसरा है हमारा जीरो और वाई का माइनस टू, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हमारे हम इनको क्या करेंगे, स्केल से इस तरीके से हम इनको लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर ये वाली लाइन आ जाएगी, और इसको यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देंगे ये वाले पॉइंट्स को। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट मिलेगा ना, यहाँ पर इसको जो इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइन जो काटेंगे एक दूसरे को, वो इस पॉइंट पे काट रही है वन माइनस थ्री, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है, एक्स हमारा कितना है, वन है, और जो हमारा वाई है वो है माइनस का थ्री। तो हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एक्स इक्वल्स टू वन वाई माइनस थ्री। तो ये तो आपका क्वेश्चन ग्राफिकली इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।